हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली सीए टोस ऑफ 22 जून। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप चाहते हैं इस पूरे सेशन का हैंड रिटन पीडीएफ मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर डेली हैंड रिटन पीडीएफ्स मिल जाया करेंगी, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। यूनियन बैंक जो है वो लॉन्च करने जा रहा है 4 न्यू डिपॉजिट स्कीम्स टू बेनिफिट विमेन, पेंशनर्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कौन सी स्कीम्स हैं ये भी देख लेते हैं यूनियन बैंक की। यूनियन उन्नति, यूनियन समृद्धि, यूनियन सम्मान एंड यूनियन SBCHS। सो याद रखिएगा इन स्कीम्स का नाम, उन्नति, समृद्धि, सम्मान एंड SBCHS, ठीक है। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जो हैं वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं 11 फ्लाईओवर्स फ्रॉम दिल्ली टू पानीपत। सो दिल्ली से पानीपत के 11 फ्लाईओवर्स जो हैं उनका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, जो कि नेशनल हाईवे मिनिस्टर भी हैं। देन नेक्स्ट है इंडिया जो है वो होस्ट करने जा रही है 18th सेशन ऑफ द इंडिया इराक ज्वाइंट कमीशन मीटिंग एट न्यू दिल्ली। सो याद रखिएगा इंडिया जो है वो होस्ट करेगी 18th सेशन ऑफ द इंडिया इराक ज्वाइंट कमीशन मीटिंग, जो कि होने वाली है न्यू दिल्ली में, ठीक है। देन नेक्स्ट है यूके जो है वो होस्ट करने जा रहा है फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपना फर्स्ट समिट जो है वो होस्ट करने जा रहा है यूके। देन नेक्स्ट है SBI के MD स्वामीनाथन जानकी रमन जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं एज RBI डिप्टी गवर्नर। सो याद रखिएगा RBI डिप्टी गवर्नर किन्हें अपॉइंट किया गया है, SBI के जो MD रह चुके हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि स्वामीनाथन जानकी रमन हैं, उन्हें अपॉइंट किया जा रहा है RBI का डिप्टी गवर्नर। देन नेक्स्ट है रिलायंस ग्रुप जो है वो अपॉइंट कर रहे हैं पारुल शर्मा को एज ग्रुप प्रेसिडेंट। सो पारुल शर्मा जो हैं वो ग्रुप प्रेसिडेंट बनाए जा रही हैं रिलायंस ग्रुप की। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रिलायंस ग्रुप की प्रेसिडेंट किन्हें बनाया जा रहा है, तो वो हैं आपके यहाँ पारुल शर्मा, ठीक है। देन नेक्स्ट है सीनियर IAS ऑफिसर अमित अग्रवाल जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं एज CEO ऑफ UIDAI। सो UIDAI के CEO जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं सीनियर IAS ऑफिसर, जो कि अमित अग्रवाल हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है TPG इंडिया जो है वो सेल करने जा रही है 2.65% का स्टेक इन श्रीराम फाइनेंस फॉर ₹1390 करोड़। सो 1390 करोड़ में TPG इंडिया जो है वो सेल करने जा रही है इंटायर 2.65% का स्टेक इन श्रीराम फाइनेंस, ठीक है। देन नेक्स्ट है इंडियन आर्मी कंटिजेंट जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं इन मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्स खान क्वेस्ट 2023 इन मंगोलिया। सो मंगोलिया में एक्सरसाइज जो की है खान क्वेस्ट 2023 जो है उसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है इंडियन आर्मी कंटिजेंट। देन नेक्स्ट है इंडिया जो है वो गिफ्ट करने जा रही है मिसाइल कॉर्वेट टू आयन, जो कि है INS कृपान करके एक मिसाइल कॉर्वेट है वो गिफ्ट की जा रही है वियतनाम को, ठीक है। और ये किसकी तरफ से किया जा रहा है, इंडिया की तरफ से गिफ्ट की जा रही है INS कृपान टू वियतनाम। देन नेक्स्ट है UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो पार्टनरशिप करने जा रहे हैं विद DNULM टूवर्ड्स एम्पावरिंग वीमेन एंटरप्रेन्योर्स, एम्पावरिंग वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए UNDP पार्टनरशिप करने जा रही है DNULM के साथ में, ठीक है। देन नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं योगा महोत्सव ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जो कि है न्यू दिल्ली में, ठीक है। सो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो कि ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं योगा महोत्सव ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जो कि है न्यू दिल्ली में, ठीक है। सो ये भी आपको याद रखना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमने डिस्कस कर लिए आपके करंट अफेयर्स एंड आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा बिकॉज हमने इसमें सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। एंड अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।